डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए आगे के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जहाँ तक के पिछले क्लास में किए हुए थे। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 का 4 है, जैसा कि आपको दिखाया है। 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो पांचवा का जो 4 क्वेश्चन है वो है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू क्या है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन इसी तरीके से है। आप ऐसा कीजिए, आप एल एच एस से सॉल्व कीजिए। तो एल एच एस में क्या है भाई, तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, राइट। और हम सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं भाई। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए, इस 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, प्लस इस सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, और नीचे वाला सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होता है, कॉस ए, ठीक है। 1 से कॉस ए बार में कटा और कॉस ए को 1 से कटा, तो यहाँ कितना मिला, कॉस ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए एक मरतबा में कट रहा है और एक से गुना कर रहे तो 1, और नीचे कितना हुआ, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। हम जानते हैं कि ऊपर में भी अंश बटा हर है और नीचे में भी अंश बटा हर है, तो नीचे नीचे वाला अगर सेम सेम रहता है कट जाता है। तो ऊपर देखिए, ये मेन बटा हुआ, ठीक है, और ऊपर में भी अंश हर है, नीचे में भी अंश हर है, इसमें हर जो है, इसमें हर जो है सिम सिम रहता है, तो कट जाता है। क्या बच रहा है भाई, तो कॉस ए प्लस 1 बटा 1। तो नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं ना। तो एल एच एस को जब सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। अब आप क्या कीजिए, अलग अलग अब आर एच एस को सॉल्व कीजिए। दोस्त, कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि पूरी तरीके से आप एल एच एस से चल रहे हैं, एल एच एस से चल रहे हैं, तो आर एच एस नहीं आएगा। उसके लिए एल एच एस को अलग से सॉल्व करना पड़ता है, आर एच एस को अलग से सॉल्व करना पड़ता है। आर एच एस में क्या है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से एक और फार्मूला निकाले हुए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से निकला हुआ फार्मूला है। तो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए है तो इसलिए ए लिख दिए, और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है नीचे हो गया। दोस्तों, इस 1 को तो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस है तो माइनस, और इस कॉस स्क्वायर ए का मतलब हम पहले से जानते हैं कि इसका मतलब हुआ कि कॉस ए का होल स्क्वायर और बटा में कितना, 1 माइनस कॉस ए। अब एक फार्मूला जानते हैं आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो इसको, ऊपर वाले फार्मूला को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, आप ऊपर वाले को कीजिएगा कि आप प्लस में और माइनस में दो अलग अलग तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है भाई, तो 1 माइनस कॉस ए है टोटल। तो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम है, कट गया,
तो क्या बच रहा है यहाँ पे, वन प्लस कॉस है। तो जब आर एच एस से हम चले तो कितना आया भाई, वन प्लस कॉस है, और जब एल एच एस से चले तो कितना आया, वन प्लस कॉस है। तो दोस्तों यहाँ एल एच एस जो है वो किसके बराबर हो गया, आर एच एस का, इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। सर्वश्रमिका, एक सर्वश्रमिका है कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला वन प्लस कॉट स्क्वायर है। जी हाँ, आप जानते भी होंगे ये किससे आया है पता, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, उसी से एक सर्वसमिका निकला है। समय सर्वसमिका मतलब फार्मूला निकला है, एक समीकरण निकला है, इसी को लागू करके ये पांचवा नंबर जो है प्रूव करना है। ठीक है, पांचवा नंबर प्रूव करना है किसको लागू करके, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको इसी को फार्मूला को यूज करके। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। रियलिटी में क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन और बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये हम लोगों को क्या है, तो क्वेश्चन है बोल सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या है, चलिए लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हम लोगों को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये अलग बात है कि इसमें फार्मूला यूज करने के लिए बोल रहे हो, ये कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस समी सर्वसमिका या इस फार्मूला को लागू करके आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूफ करना है इस फार्मूला को यूज करके। चलिए दिखाते हैं कि कैसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एल एच एस चलेंगे यहाँ पे, एल एच एस से। एल एच एस में क्या है भाई, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन अपॉन अपॉन यहाँ पे क्या है, तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। दोस्त यहाँ पे करेंगे क्या, एक चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हाँ चलिए, तो यहाँ पे एक काम करना पड़ता है, अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से भाग करेंगे। तो साइन ए से हम लोग डिवाइड देंगे अंश में भी और हर में भी। तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो कोस ए तो पहले से है, ऊपर वाला में भी साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, प्लस साइन ए में भी हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सॉरी फार्मूला में हाँ मिस्टेक है, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन है यहाँ पे भी होगा माइनस, ठीक है, मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, प्लस वन बटा साइन है। अंश का मतलब कोई भी भिन्न का ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ये हो गया अंश
और नीचे वाला हो गया हर। तो अंश में हम लोग कितना से डिवाइड कर दिए, अंश में कॉस ए था, साइन ए से भाग कर दिए, साइन ए से साइन ए से। अब क्या बोल रहा है कि हर में भी भाग दे रहे हैं। दोस्त ये सब कुछ कंडीशन है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से सवाल में हम लोगों को भाग देने पर प्रूव होता है। हर में क्या है, कॉस ए, इसमें भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, माइनस वन बटा साइन ए। ठीक है, चलिए अब बटा तो है ही है, कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए बटा साइन ए क्या है, कॉट ए। कॉस ए बटा साइन ए का फार्मूला क्या होता है, कॉट ए। माइनस साइन से साइन कितना बार में कट गया, वन बार में, प्लस वन बाई साइन क्या होता है, कॉसे के होता है। ठीक है, यानी फार्मूला होता है वन बाई कॉसे का होता है वन बाई साइन, तो वन बाई साइन के जगह पे हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉस बाई साइन कॉट है, प्लस इससे कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, वन बार में, माइनस कॉस ए। दोस्त एक फार्मूला होता है, ये कौन सा फार्मूला का यूज करना है, यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस ए का स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करो आप। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो वन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो करना क्या है, सिर्फ ऊपर वाला में देख लो। अब आप बोलेंगे कि सर वन के जगह पे तो आप इतना रख रहे हैं, तो नीचे वाले वन के जगह पे क्यों नहीं रखें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बात कि हम लोग ऊपर में रखेंगे तभी हम लोगों को प्रूव होने वाला है, क्योंकि प्रूव करना है ना LHS से जाकर RHS। तो इसलिए करते क्या है कि कॉट ए के जगह पे कॉट ए, माइनस का माइनस, और वन के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हम लोगों का वन के जगह पे, फिर क्या, प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए, देख लीजिए कॉट ए, और यहाँ से वन के जगह पे हम लोग सिर्फ वन ही छोड़ देते हैं, माइनस कॉस ए, यानी कि नीचे वाला जो वन है उसकी जगह पर नहीं रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है और ब्रैकेट में है, तो माइनस से इसके साथ भी गुना करेंगे और इसके साथ भी गुना करेंगे। ठीक है, तो बनेगा क्या ज़रा देख लेते हैं, जब इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, और ये माइनस से इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस कॉस ए का स्क्वायर है। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये प्लस क्या, कॉसेक है, कॉसेक है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे जो है क्या है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक है। तो लिख दिया कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, चलिए अब की बार करना क्या है दोस्त, कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम इसको दोनों को एक साथ कर दिए, और प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको लिख दिया, और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम लोग, कॉट ए और कॉसेक ए किनारे किनारे वाला को प्लस में एक साथ कर दिया, फिर इस कॉट स्क्वायर को यहाँ लिख दिया और माइनस में यहाँ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग को मेन फार्मूला पे आ जाए। अब यहाँ पे फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग साथ में रखे हुए हैं इसको, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों ये वाला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, तो इसको एक बार प्लस में तोड़ेंगे, मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू इंटू कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, यानी कि इसको तोड़ दिया गुना में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और बट्टा में क्या होता है भाई, बट्टा में क्या होगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। देख लो अब ऊपर वाले को अच्छे से आप देखिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ है और कॉट ए प्लस कॉसेक यहाँ है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक को हम लोग ऊपर से कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो कॉट ए प्लस कॉसेक के इस यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया वन, प्लस ये कॉट ए प्लस कॉसेक के तो आगे निकल गया बाहर कॉमन में, तो यहाँ बच रहा होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और बटा में कितना, तो कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। आप देख पा रहे होंगे कि वन है प्लस में तो वन है प्लस में, कॉट ए प्लस में तो कॉट ए प्लस में, कॉसेक ए माइनस में तो कॉसेक ए माइनस में, यानी कि ये जो पूरा है वो ऊपर पूरा हम लोगों को मिल गया, इसीलिए नीचे वाले वन को हम लोग छोड़ दिए थे, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसी को हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही चीज़ें हम लोगों को लाना भी था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इस तरीके से फार्मूला हम लोगों को प्रूव्ड हो गया। दोस्तों होता क्या है ना कि इस ट्रिगोनोमेट्री प्रूव करने वाले में आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको पता चलेगा आखिर क्यों हम लोग डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड करने का भी फायदा हुआ, क्यों हम ये जो वन होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्यों सिर्फ ऊपर ही रखें नीचे क्यों नहीं रखें, तो उसका रीज़न ये रहा कि ऊपर में हम जब लोग कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे वन का वन रहेगा, तभी ना हम लोग ऊपर जब वन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही होंगी, आप पांचवा में जो 10 क्वेश्चन है ना भाई, इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा ट्रिगो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आगे की क्वेश्चंस को करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।